सभी को जय हिंद। कैसे हैं भाई सभी लोग? तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मार्स एकेडमी पर। तो जैसे हमने अभी पिछली क्लास में क्लास 1 करी थी, पहली क्लास ट्रिग्नोमेट्री की, है ना, तो आज उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम क्लास नंबर 2 करने वाले हैं, ठीक है। और पिछली क्लास में हमने क्या बेसिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, है ना, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। आज ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और भाई मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से कराऊंगा, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा। इसके अलावा तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सीजीएल मेंस आ रहा है तो उसके लिए बिल्कुल फ्री में मैं आपको सारा कंटेंट देने वाला हूँ यूट्यूब पर। आपको ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, जितना भी सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा सारा आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को अच्छे से सपोर्ट करो। और ये आपका जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम है 23 वाला, 2023 वाला, उससे पहले आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, तो आपको इधर उधर भटकने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और कंटेंट भाई आपको ऐसा दूंगा बिल्कुल जो आपके एग्ज़ाम से बिल्कुल ज़्यादा रिलेवेंट होगा, बिल्कुल रिलेवेंट होगा। तो आपको कंटेंट वही मिलने वाला है, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको जो कतु क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसलिए फटाफट अपना सेशन में जुड़ सकते हैं, है ना, और लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जो भी सीजीएल का एग्ज़ाम देने वाला है या फिर जिसका सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आज हमारी क्लास नंबर 2 है तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पिछली क्लास में आइडेंटिटी करी थी हमने, है ना, आइडेंटिटी थी हमारी क्या, 1 + tan² θ इज इक्वल टू sec² θ, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हमने प्रूव करी थी। अच्छा, अब इसमें क्या है, और मैंने आपको इसका इन्वर्स वाली चीज़ भी बता दी थी, ठीक है। अच्छा, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, sec² θ माइनस tan² θ इज इक्वल टू 1, सही है। इन्हें भाई नोट करते चलना, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आइडेंटिटी का ज़्यादा खेल नहीं रहेगा, सारी वैल्यूज़ और इन्हीं आइडेंटिटी का क्वेश्चंस में यूज होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे साइन वाली आइडेंटिटी में करा था ऐसे यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, sec²θ + tan²θ -2 sec²θ tan²θ इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, क्या 1। अच्छा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो सभी को पता होगा क्या होगा, a² + b² - k 2ab, ठीक है ये बात। अब देखो यहाँ से क्या पता चलेगा, sec²θ + tan²θ इज इक्वल टू 1 + 2 sec²θ * tan². तो ये आइडेंटिटी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, क्लियर होगी बात सभी को। तो sec²θ + tan²θ इज इक्वल टू 1 + 2 sec²θ tan²θ, ठीक है, ये होगी आपके लिए इम्पोर्टेंट, क्लियर। अच्छा, स्क्वायर करा था तो क्यूब भी कर सकते हैं, sec²θ - tan²θ किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। इस बार क्या कर रहे हैं, दोनों साइड क्यूब, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। क्यूब करोगे तो a - b³² का फॉर्मूला लग जाएगा, sec²θ - tan²θ, a³ - b³ - 3ab, 3 sec²θ tan²θ a - b, यानी कि sec²θ - tan²θ, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a - b³³, ये अलजेब्रा में पढ़ेंगे अभी आप, जिसको नहीं पता है, जिसको पता है उसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता वो अभी यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकता है, ठीक है। ये तो भाई देखो, sec²θ - tan²θ इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, sec² - tan², ये तो 1 होता है तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 1, ये माइनस का 3, इधर क्या आ जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि +3 sec²θ tan²θ। तो ये आइडेंटिटी भी आपको याद रखनी है, ठीक है, ये हो गई इम्पोर्टेंट, क्लियर है सभी को। तो sec²θ + tan²θ क्या होगा, 1 + 2 sec²θ tan²θ, और ऐसे ही sec²θ - tan²θ इज इक्वल टू 1 + 3 tan²θ sec²θ tan²θ, ये हमारी इक्वेशन नंबर, ये भी आपके लिए क्या होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनका क्या है डायरेक्ट यूज़ हो जाएगा आपको क्वेश्चंस में, है ना। चलो चले आगे। चलो अब देखो, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी हमने, p² + अब ये प्रूफ कर लेंगे आप, है ना, डायरेक्ट बता दे रहा हूँ मैं। अब इस बार आप क्या करोगे, p
टी स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे सारी इक्वेशन को, तो फिर क्या बन जाएगा, वन प्लस, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं ना, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगी आइडेंटिटी नंबर हमारी 3। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, सही है। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बताओ लिख सकते हैं नहीं। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब यहाँ से क्या समझ में आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, डायरेक्ट लिख दूँ ना, अब ये चीज़ क्लियर होगी कल वाली क्लास से, कोसेक प्लस कोट इंटू कोसेक माइनस कोट, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 1 के इक्वल हो जाएगा। अब ये 1 क्यों आएगा, जब ये दोनों एक दूसरे के क्या रहे होंगे, इनवर्स रहे होंगे, उल्टे रहे होंगे, है ना। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा, और इसका उल्टा भी ट्रू है, सही बात है। तो इस चीज़ को आप एक बार लिखेंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद इसमें जैसे आपने इसका फॉर्मूला लिखा है सेक की पावर 4 थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा, तो ऐसे ही वहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक प्लस कोट की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये जो दो फॉर्मूले हैं आपके, ये आपको अगले वाली आइडेंटिटी से क्या करने हैं, प्रूफ करना है, इसका होल स्क्वायर भी करना है और इसका होल क्यूब करना है, जो भी आएगा उसे नोट डाउन करना है और याद करना है, ठीक है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, चले आगे, ठीक है, चलो क्लियर होगी मेरे ख्याल से बात। अब देखो कुछ दो तीन और इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें और लिख लेते हैं, कोट थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, या फिर क्या कह सकता हूँ, टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ये इक्वल टू होता है आपका किसके, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, या फिर लिख सकते हैं क्या, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, है ना, या फिर क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 कोसेक 2 थीटा, अभी बताऊंगा ये वाली चीज़, पहले ये देखो समझ में आई क्या चीज़। देखो कोट थीटा प्लस टेन थीटा अगर कहीं भी मिलता है तो डायरेक्ट 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, या फिर कोसेक थीटा सेक थीटा, कैसे भाई, टेन को बताओ, टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सही बात है या नहीं। कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्लियर है बात सभी को। अब बताओ अगर एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस यहाँ क्या बचा, साइन, यानी कि ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, कोस, कोस के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा, क्लियर है बात सभी को। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो क्या होगा, 1, ये क्या आ जाएगा, अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो देखो यही लिखा था क्या, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अच्छा उल्टा कर दो, साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक, कोस का उल्टा क्या होगा, सेक, तो ये भी लिख सकते हैं। अब ये वाली बात देखो, 2 कोसेक 2 थीटा कैसे लिख दिया, ये 1 अपॉन कोस और साइन आया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ने का, बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर। अब देखो ये एक आइडेंटिटी होती है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, साइन 2 थीटा इसके इक्वल होता है आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल, ठीक है, अभी इसकी टेंशन मत लेना, ये आगे बताऊंगा। तो फिलहाल 2 साइन थीटा कोस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, और साइन 2 थीटा इसका उल्टा क्या होगा, कोसेक 2 थीटा, यानी कि हो जाएगा 2 कोसेक 2 थीटा, तो ये देखो ये लिख रखा था। तो ये वाली आइडेंटिटी भाई बहुत इंपॉर्टेंट बनती है ना, मेन तो इसका काम होगा ये वाली, ये चीज़ है ना, ये लिखनी पड़ेगी आपको कई बार पेपर में, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई क्या सभी को, क्लियर, चलो चले आगे, क्लियर है ना सभी को। तो क्वेश्चन आ गया, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, एक आइडेंटिटी और आपकी इम्पोर्टेंट है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा,
एक मिनट रुको भाई, ये कर देता हूँ बंद। अब आओ, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा ये कैसे है, देखो तो डायरेक्ट ही है, यहाँ प्लस का साइन था, आगे किसका साइन लग गया, मल्टीप्लीकेशन का साइन लग गया। तो बताओ प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। देखो कैसे, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ले लो एलसीएम, ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, ये चला जाएगा ऊपर, प्लस साइन स्क्वायर से डिवाइड करोगे क्या बचेगा कोस स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन, ठीक है। तो नीचे क्या बच गया, वन अपोन कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, सही बात है नहीं। अब बताओ वन अपोन कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, उल्टा क्या होता है इसका, सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा भाई, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा के। बताओ ये बात समझ में आई क्या सभी को, मेरे ख्याल से क्लियर होगी, कोई डाउट इसमें, चल सकते हैं आगे। चलो देखो लास्ट आइडेंटिटी है ये, और लिख लो फिर उसके बाद करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जैसे ये ऊपर वाली थी ऐसे ही है, टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ बस क्या आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आगे दोनों की क्या होगी देखो मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो प्रूफ क्या होगा इसका, टेन को क्या लिख सकते हैं साइन अपोन कोस, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपोन कोस स्क्वायर थीटा, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे, अपोन में क्या आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ अगर मैं ऊपर से क्या ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा ले लेता हूँ कॉमन, ले लिया कॉमन, एक मिनट रुको ये इसे इरेज कर देता हूँ एक बार। हाँ चलो यहाँ से क्या ले लेते हैं, ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा ले लेते हैं क्या कॉमन, लिया कॉमन, यहाँ क्या बचेगा वन अपोन कोस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का क्या रह जाएगा, सही बात है कि नहीं। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था ही बार, यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया भाई कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया वन और ये आ गया क्या माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, बताओ कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है सभी को, ये ऐसे भी छोड़ो एक मिनट रुको, ये देखो तुम इसे यहीं पे क्या कर लो सेक कर लो, इसे यहाँ पे हम कर लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और वन अपॉन कोस क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस के वन, सही है। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हमने क्या पढ़ रखा है, टेन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, आई बात समझ में। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, क्लियर होगी ये बात सभी को। इसी के आगे यहीं पे लास्ट आइडेंटिटी लिख लो, जैसे ये टेन में है ऐसे ही किस में है कोट में है, वो क्या होगी हमारी कोट स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बताओ किसके इक्वल हो जाएगी, डायरेक्ट बता सकते हो ना, कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है। जैसे ये वाली प्रूफ करिए ऐसे ही इसका प्रूफ हो जाएगा। तो ये भाई आपकी तीन चार आइडेंटिटी हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके याद होनी चाहिए, क्लियर है मेरे ख्याल से सभी को बात, ठीक है। चलो तो इन्हें अपनी कॉपी में लिख लेंगे अच्छे से, है ना, प्रूफ भी मैंने बता दिया है, और इन्हें आपके ये डायरेक्ट क्या होनी चाहिए याद होनी चाहिए, क्लियर भाई सभी को। चलो आगे अब आ जाओ क्वेश्चन, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर उसके बाद पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। अभी तक तो क्लियर है सभी को, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी मेरे ख्याल से, है ना। देखो कोस 19 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए अपॉन बी, बहुत अच्छी बात है। कोस 19 डिग्री कितना दे रखा है हमें, ए बाई, सबसे पहले बताओ कोस होता क्या है, कोस कोस थीटा हमने पढ़ा, कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन होता है, नहीं होता बताओ। जैसे ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, मान लो ये कितना है हमारा 19 डिग्री, तो कोस 19 कितना होगा ए बाई बी, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस क्या होगा ए, हाइपोटेन्यूज कितनी होगी बी, ये बात तो क्लियर है सभी को। बताओ ये 90 है,
ये 19, तो ये वाला एंगल बचा हुआ कितना होगा, इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला कितने डिग्री होगा, 71 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताओ ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो वैल्यू किसकी पूछी है इसने, कोसेक 19 माइनस कोस 71, कोसेक 19 माइनस कोस 71। अब कोसेक 19 क्या होगा, देखो 19 डिग्री का तो एंगल ये है, कोसेक निकालना है। कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है हमारा क्या बताओ भाई, क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपोन परपेंडिकुलर। कोसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपोन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस क्या है, बी, परपेंडिकुलर क्या है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो सभी ने याद कर लिए होंगे ना, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपोन हाइपोटेन्यूस, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपोन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब। माइनस कोस 71, देखो कोस 71 की बात कर रहा है, ये है कोस 71। कोस 71 क्या होगा, कोस होता क्या है भाई, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपोन हाइपोटेन्यूस, तो ये हमारा कोस 71। अच्छा मैंने तुम्हें बताया था एंगल के हिसाब से सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, जो बिल्कुल बगल में होगा वो क्या होगा, बेस। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो 71 के लिए बताओ बेस क्या होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही होगा, और हाइपोटेन्यूस क्या होगी, बी होगी। तो ये आ गया कोस 71। सही है, कोसेक 19 लिख लिया, कोस 71, बस सवाल हो गया खत्म। एलसीएम लो, एलसीएम क्या आ जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे इसे डिवाइड करोगे तो बी बचेगा, ये क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे बी से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करोगे तो ये हट जाएगा, क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये माइनस का बी स्क्वायर ये तो खत्म हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि आंसर दिख रहा होगा तुम्हें, ए स्क्वायर और बी इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के, यानी कि ऑप्शन नंबर। आई बात समझ में सभी को? तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या करना था, यूज करना था। क्लियर होगी बात सभी को? चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट 111 111 डिग्री, अंडर रूट सेक स्क्वायर 111 माइनस। ठीक है करो फटाफट, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आइडेंटिटी पे बेस है, हमने पढ़ा था 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, पढ़ा है सभी ने। हमने ये भी पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीन तरीके से लिखवाया था मैंने तुम्हें ये वाली आइडेंटिटी। अब देखो ये सेक स्क्वायर 111 माइनस 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 स्क्वायर थीटा, इसे तो रहने दो, कोट 111, और ये अंडर रूट इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, 10 स्क्वायर 111। क्लियर है बात सभी को? अब बताओ अंडर रूट से तो स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि ये क्या रह जाएगा, कोट 111 इंटू 10 111। सही बात है नहीं? अब बताओ कोट इंटू 10, अगर तुम्हें याद हो कोट और टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और मैंने तुम्हें लिखवा रखा था कोट थीटा इंटू 10 थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 1। क्लियर हुई बात सभी को? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये बताओ कोस थीटा इज इक्वल टू 2p/p² +1। अच्छा इससे पहले चलो एक बात बताता हूँ तुम्हें, देखो अगर मैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने ट्रिपलेट पढ़े थे है ना, वैल्यूज वाले ट्रिपलेट तो हमने पढ़े थे। अब देखो एक ट्रिपलेट आपका ये भी बनता है 2ab है ना, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ट्राइंगल की तीन साइड है। ठीक है, ये वेरिएबल की फॉर्म में दे रखे हैं, एक तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक क्या है 2ab, और सबसे लंबी साइड कौन सी है, हाइपोटेन्यूज, जो क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तीनों क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम को क्या करते हैं भैया, सेटिस्फाई करते हैं। ये आपके अगर याद होंगे तो आप पेपर में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं, बड़े आराम से क्या ले जाओगे, डायरेक्ट बना के ले जाओगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ये डायरेक्ट तीनों क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। क्लियर होगी होगी ये बात? अच्छा अगर मान लो मैं बी की जगह क्या रख देता हूँ, 1, भाई सेम चीज है, इसी ट्राइंगल में हम बी की जगह क्या रख रहे हैं, 1, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 2a, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी क्या होंगे, ट्रिपलेट होंगे, यानी
यानी कि ए स्क्वायर माइनस वन टू ए, यानी कि अगर तुम्हें इस फॉर्म का कुछ भी दिखता है तो वो भी क्या होंगे, ट्रिपलेट होंगे। आई बात समझ में, ए स्क्वायर माइनस वन टू ए, ए स्क्वायर प्लस वन, ये भी हमारा क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को ये बात। चलो अच्छा, जो यहाँ पे ए है वो क्या होगा, ग्रेटर देन वन होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल की साइड क्या नेगेटिव नहीं हो सकती, तो जो हमारा ए होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन वन होगा। ठीक है, अच्छा अगर ए छोटा हो गया वन से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर प्लस वन ये तो ही रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा टू ए, और ये हो जाएगा क्या वन माइनस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा वन माइनस ए स्क्वायर इफ ए इज लेस देन। ठीक है, क्लियर है बात सभी को। मेन बात ये थी कि ये ट्रिपलेट बनेंगे, ये तीनों क्या होते हैं ट्रिपलेट, यहाँ इसकी जगह क्या रख दिया था वन रख दिया था। ठीक है, तो ये भी तीनों ट्रिपलेट होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें, डायरेक्ट पेपर में सवाल कर लोगे बिल्कुल। अब देखो यही, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कोस थीटा क्या कहा इसने, टू पी अपोन पी स्क्वायर अपोन वन। मुझे पता है कोस थीटा क्या होता है, बेस अपोन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होगा भाई, आधार बटे कर्ण। ठीक है, यानी कि टू पी तो आधार रहा होगा, टू पी क्या रहा होगा, आधार रहा होगा, और कर्ण क्या रहा होगा, पी स्क्वायर प्लस वन। अब देखो ये टू पी स्क्वायर प्लस वन से एकदम समझ में आ रहा है, ये यही बन रहा है क्या, देखो टू ए स्क्वायर प्लस वन, तो तीसरी साइड क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पे तीसरी साइड क्या होगी हमारी, जो क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगी यहाँ पे, पी स्क्वायर माइनस के वन। ये बात समझ में आई क्या सभी को, देखो डायरेक्ट निकाल लिया, कोई पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी पड़ी, अगर तुम सोल्व करते ट्राइंगल बना के तो फिर क्या करना पड़ता, पाइथागोरस थ्योरम लगा के तुम्हें क्या करना पड़ता, सोल्व करना पड़ता। ठीक है, अब देखो कोसेक थीटा निकालना था, कोसेक थीटा क्या होगा भाई, साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा क्या, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सही बात है नहीं, तो यानी कि कर्ण बटे लंब, कर्ण तो हमें पता ही था कितना था, पी स्क्वायर प्लस वन बटे लंब, लंब क्या है, लंब हमने निकाल लिया पी स्क्वायर माइनस के वन, तो आंसर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर माइनस के वन। बताओ सही है ना, समझ में आ रही है सभी को बात, क्लियर है या कोई डाउट है बताओ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये ट्रिपलेट आप लिख लेना, क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि यानी कि बेस क्या रहा होगा, बी रहा होगा, फिर भी चलो बना देते हैं फिगर, ये तो हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर क्या है, ए, तो इसका स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बचेगा यानी कि अंडर रूट बी, आंसर ये बेस कितना आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। हमें क्या निकालना था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। ठीक है, यानी कि एच प्लस पी अपॉन बी की वैल्यू हमें निकालनी है, हाइपोटेन्यूज भाई पता है तुम्हें कितनी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना है भाई, ए, तो यहाँ पे ए लिख दो, और बेस कितना है, यानी कि आंसर आ गया, खत्म सवाल, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है भाई, तुम्हें लग रहा होगा क्वेश्चन आसान है, ठीक है, या जिसे भारी लग रहा होगा तो अभी धीरे धीरे, जिसे भारी लग रहा है वो तो सीखते जाओ, और जिसे आसान लग रहे हैं तो बता दूं पेपर में यही क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाले हैं, बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में बिल्कुल। ठीक है ना, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, इसमें तुम टाइम बचा के ले जाओ तो तुम अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे एग्जाम में, क्लियर है बात सभी को। ये आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, कोसेक थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, कोसेक थीटा पता होना चाहिए क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब, वैल्यू किसकी निकालनी भाई, अंडर रूट थ्री कोट थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा प्लस अंडर रूट थ्री, इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो ये कोट थीटा है, कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टेन थीटा, कोट थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा प्लस अंडर रूट थ्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट थ्री अपॉन टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा प्लस अंडर रूट,
सही है। एलसीएम लोगे ऊपर तो ये अंडर रूट 3 प्लस 10 थीटा अपोन 10 थीटा, और ये अपोन में क्या आ जाएगा, 10 थीटा प्लस अंडर रूट, यहाँ तो 1 ही है अपोन में। अब देखो इससे तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि 10 थीटा प्लस रूट 3, 10 थीटा प्लस रूट 3, ये क्या बचेगा, 1 अपोन 10 थीटा, 1 अपोन 10 थीटा क्या होगा, कोट थीटा। तो फाइनली घुमा फिरा के तुम्हारे से कोट थीटा की वैल्यू पूछ रहा था, किसकी वैल्यू पूछ रहा था, कोट थीटा की। अब तो कुछ सवाल में रही नहीं, निकाल सकते हो। देखो तुम्हें कोसेक थीटा पता था, कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपोन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस यानी कि बी, परपेंडिकुलर यानी कि ए, तो ये वाली चीज निकाल सकते हो कितनी, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। और कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है भाई बेस अपोन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। आधार तुमने निकाल लिया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और लंब हमारा कितना था ए, यानी कि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपोन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, बताओ क्लियर है क्या। चलो अब इतनी बात क्लियर हो गई होगी, तो अब आगे चलते हैं, है ना। अब एक बार बात कर लेते हैं किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की। ये सभी ने सुना होगा, है ना, सभी ने सुना होगा 0 डिग्री, एक हमारा क्या होता है 0 डिग्री, मेन मेन एंगल्स पढ़ते हैं, है ना, 30 डिग्री, एक आपका होता है कितना 45 डिग्री, एक आपका कितना होता है 60 डिग्री, और एक होता है आपका कितना 90 डिग्री। इसमें हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं, साइन थीटा, एक आपका कोस थीटा, फिर आपका टेन थीटा, फिर आपका सेक थीटा, और आपका कोसेक थीटा, और आपका कोट थीटा, ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम पढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ये भाई आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी ही चाहिए, ठीक है। क्यों याद होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट सवाल दे देगा तुम्हें, और इस पे डायरेक्ट सवाल आ जाएगा पेपर में, ठीक है, पेपर में क्या होगा, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल आ जाएगा क्वेश्चन में तुम्हारे से, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पूछ लेगा एंगल दे के, साइन 60, 10 60 प्लस कोट 60, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बना देगा, और डायरेक्ट तुम्हारे से क्या पूछ लेगा, वैल्यू पूछ लेगा बस, इतना सा क्वेश्चन आएगा, है ना। अगर वैल्यू याद होगी तो फटाफट कर पाओगे। अब देखो ये वैल्यू का चक्कर क्या है, एक बार लिखवा देता हूँ, है ना, फिर थोड़ा बहुत लॉजिक, ये ट्रायंगल में चेक करी गई है वैल्यू, है ना, जैसे मान लो, चलो एक बार लिख देता हूँ, साइन थीटा, साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 कितना होता है 1 अपॉन 2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 कितना होता है 1, ठीक है। जैसे मान लो ये साइन 30 1/2, तो एक कोई ट्रायंगल बनाया गया होगा जिसमें एंगल कितना होगा 30 डिग्री रहा होगा, और तुम्हें पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये एक और ये वाली हाइपोटेन्यूज कितनी रही होगी 2, यानी कि इन दोनों का रेशो अगर एंगल 30 डिग्री का है तो 1:2 के रेशो में रहेगा हमेशा, चाहे आप कोई भी ट्रायंगल ले लोगे, ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यूज हमें पहले से ही बताई गई हैं, इनके पीछे लॉजिक नहीं है, ठीक है, बस ये चीज़ें सेटिस्फाई करती हैं। अगर हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं 30 डिग्री का, तो उसमें ये इस रेशो को क्या करती है, हमेशा सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से ली गई हैं, क्लियर होगी बात सभी को। अब ये 1 ये 2, तो ये वाली निकाल सकते हैं कितनी रही होगी, √3 रही होगी, ठीक है ना। अब देखो ये साइन 0 कितना होगा 0, ये कितना होगा 1/2, साइन 45 कितना होगा 1/√2, साइन 60 कितना होगा √3/2, और साइन 90 कितना होता है 1। अच्छा अगर किसी को स्टार्टिंग में याद करने में दिक्कत है, तो वो 0 1 2 3 4 ये लिख सकता है गिनती 0 से 4 तक की। अब क्या करो, सारे में क्या कर दो 4 से डिवाइड, सारे में क्या कर दो 4 से डिवाइड, साइन का बता रहा हूँ, फिर आगे तो आसान हो जाएंगी चीज़ें। सारे में क्या कर दिया 4 से डिवाइड, और इसका सारे पे क्या लगा दो अंडर रूट, सारे पे क्या लगा दो अंडर रूट, ठीक है। अब बताओ 0/4 तो कितना हो जाएगा 0, 1/4 कितना हो जाएगा 1/2, 2/4 1/2 होगा पहले, और फिर इस पर रूट लग जाएगा 1/√2, है ना, ये कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, 4/4 1 1/√2, तो देखो 0 1/2 1/√2 √3/2, और ये किसकी आ गई, साइन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जो कोस की वैल्यू लिखनी है, कोस की वैल्यू उल्टे लिखते चले जाओ, जैसे साइन 90 तो 1 था, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे आ जाएगा,
वो जीरो कितना हो जाएगा, वन। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट थ्री अपॉन टू। ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट टू। ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी कितना, वन अपॉन टू। जीरो यहाँ पे था तो जीरो यहाँ पे आ जाएगा। कोस 90 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है सभी को? अच्छा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब देखो ये एंगल 0 डिग्री का है, मान लो ये ट्रायंगल बना होगा। अब एंगल ही 0 डिग्री का है भाई, यहाँ पे तुम 30 डिग्री का बनाते ऐसे एंगल बनता, लेकिन ये एंगल ही क्या है, 0 डिग्री का। यानी कि ये तो ट्रायंगल बन ही नहीं पाया, यानी कि ये एंगल कितना बना, 0 डिग्री का, यानी कि स्ट्रेट लाइन ही रह गई होगी, है ना? क्लियर है ये बात सभी को? अब ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर तो जब होता ना, जब ट्रायंगल कुछ एंगल बनाता भाई, परपेंडिकुलर तो जब होता, जब मान लो ये साइड एंगल बनाती और ये वाली यहाँ पे मिलती आके, है ना, तो यहाँ पे कुछ एंगल बनता, तो ये सामने वाला क्या हो जाता, परपेंडिकुलर हो जाता। लेकिन ये तो एंगल ही नहीं बना, 0 डिग्री ही रह गया, यानी कि परपेंडिकुलर तो होगा ही नहीं। बताओ ये बात समझ में आ रही है क्या? जब परपेंडिकुलर होगा ही नहीं, उसकी कोई लेंथ नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। हाइपोटेन्यूज की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, तो 0/h कितना हो जाएगा, जीरो। इसीलिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। आई बात समझ में, क्लियर हो रहा है सभी को? तो ऐसे करके ही सारी वैल्यूज हम निकाल लेंगे। अब देखो टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा तुम्हें पता, कोस थीटा तुम्हें पता, डिवाइड करो, 0/1 कितना होगा, 0, यानी कि 10 0 0। 1/2 √3/2, इसे डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1/√3। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1, यहाँ डिवाइड करोगे 3 √3, और 1/0, 1/0 कितना हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखो 1/0, ये चीज़ सीख लो, ये क्या होता है हमारा, इनफाइनाइट, क्योंकि 0 से तुम 1 को क्या नहीं कर पाओगे, डिवाइड नहीं कर पाओगे। क्लियर है बात सभी को, अनडिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। ठीक है, चलो अब देखो सेक, सेक तुम्हें पता है किसका उल्टा, कोस का उल्टा। तो 1 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 ही होएगा। √3/ का उल्टा कितना हो जाएगा, 2/√3। 1/√2 ये कितना हो जाएगा, √2। ये कितना हो जाएगा, 2। और 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्लियर है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। 1/0 कितना, इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा, 2। ये कितना, √2। ये कितना हो जाएगा, 2/√3। 1/1 कितना आ जाएगा, सही है बात। कोट थीटा किसका उल्टा है, टेन का। 1/0, इनफाइनाइट। 1/√3 का उल्टा, √3। 1 का 1, √3 का 1/√3, और 1/इनफाइनाइट कितना, ये हो जाएगा कितना। आई भाई समझ में, बताओ क्लियर है क्या सभी को ये बात? तो भाई ये वाली टेबल तुम्हारे याद होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो मैंने तुम्हें तरीका बता दिया था, 4 तक की गिनती लिखो, 4 से डिवाइड करो, सबका क्या कर दो, अंडर रूट कर दो। तो साइन थीटा तुम्हें मिल जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा तो कोस थीटा लिख सकते हो, कोस पता चल गया फिर तो सारे काम हो गया। टेन साइन को कोस से डिवाइड करके निकाल सकते हो, सेक कोसेक उल्टा, कोट भी टेन का उल्टा। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपके याद होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई बात समझ में सभी को? अगर समझ में आ गई है तो फिर आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये देखो क्या क्वेश्चन है, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1/6 अंडर रूट 1/6 अंडर रूट 1/6, ऐसे ऐसे अप टू इनफाइनाइट। तो क्या पूछ रखा है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, अब देखो कुछ नंबर सिस्टम की और एलजेब्रा की चीज़ें यूज होंगी, तो जो चीज़ें बताने लायक होंगी वो मैं तुम्हें यही बता के चलूंगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई सीरीज होती है अंडर रूट ए, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा रिपीटेशन चल रहा है बार बार अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये वाली सीरीज है मान लेते हैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं इसको मान लेता हूँ कि ये एक्स के इक्वल है भाई, किसी ना किसी के तो इक्वल होगी, तो मैंने क्या करा इसे एक्स के इक्वल मान लिया। ठीक है, अब देखो ये अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अप टू इनफाइनाइट, ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। अब एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ अंडर रूट ए और फिर इसे भूल जाओ आप अभी थोड़ी देर के लिए, है ना, फिर देखो ये अंडर रूट ए अप टू इनफाइनाइट शुरू हो गया, यानी कि इसकी जगह मैं एक्स भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि अप टू इनफाइनाइट चल रही है, पता नहीं तुम्हें कितने टर्म्स है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और मैं इसे लिख सकता हूँ इक्वल टू एक्स। क्लियर हुई बात सभी को? अब दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे ए एक्स बच जाएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एक्स क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि जो इस सीरीज का आंसर होता है वो किसके इक्वल होता है,
एक ही वैल्यू उसी के इक्वल हो जाती है। ठीक है, जो ये बार बार मल्टीप्लीकेशन हो रही थी, तो ये एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वही नंबर आ जाएगी जिसके अंदर बार बार मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे एग्जाम्पल अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री, तो आंसर क्या हो जाएगा सीधा सीधा भाई, आंसर हो जाएगा तीन। इस सीरीज का आंसर कितना हो जाएगा, तीन। जो इस सीरीज के अंदर लिखा हुआ नंबर है वही इस सीरीज का क्या होता है, आंसर, अगर सारे किसमें हैं मल्टीप्लीकेशन। तो बताओ अब डायरेक्ट बता सकते हो यहाँ से, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट वन बाई सिक्स, अंडर रूट वन बाई सिक्स, तो ये सीधा क्या आ जाएगा बाहर, वन बाई सिक्स आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन बाई सिक्स। साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपोन हाइपोटेन्यूज, होता है नहीं होता बताओ, परपेंडिकुलर एक हाइपोटेन्यूज है, 36 माइनस 1 35, यानी कि बेस कितना आ जाएगा, √35। निकालना क्या था, टेन थीटा प्लस कोट थीटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपोन बेस, कोट थीटा बेस अपोन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एक है, बेस कितना है √35 है, बेस कितना है √35 है, परपेंडिकुलर कितना है, एलसीएम आ गया √35, यहाँ एक बार ये, एक बार ये, एक √35 बार, √35 इंटू 35 35, यानी कि आंसर कितना आ गया, 36/√35, यानी कि ऑप्शन नंबर। बताओ भाई क्या बात समझ में, देखो ये वाली चीज़ थी बस, अगर ये तुम्हें पता थी सीरीज वाली, तो फिर उसके बाद तो क्वेश्चन वही बन जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वाला। तो बस ये मैंने तुम्हें समझा दी है ना, आई होप सभी को समझ में आई होगी ये वाली बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17, टेन एल्फा इज इक्वल टू 15/8, फाइंड कोस इंटू थीटा प्लस एल्फा, कोस थीटा प्लस एल्फा, कोस थीटा प्लस एल्फा की आपको क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो साइन थीटा पता है कितना, 8/17। ठीक है, मान लो ये ट्रायंगल है, ये आपका थीटा, साइन थीटा तुम्हें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब 8 17 को देख के कुछ ध्यान आ रहा होगा, 8 15 17 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, होता है नहीं होता, तो बन गया ट्रायंगल पूरा। अच्छा ये टेन एल्फा 15/8 दे रखा था, टेन एल्फा 15/8, मान लो अगर ये एंगल कितना है एल्फा, तो टेन एल्फा की बात करूँ, टेन एल्फा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर 15 और ये 8, यानी कि ये बात भी सही बैठ रही है, यानी कि एल्फा इसी ट्रायंगल में है, बताओ है नहीं है। और पूछ क्या रखा भाई इसने, कोस थीटा प्लस एल्फा, कोस थीटा प्लस एल्फा, थीटा प्लस एल्फा। अब एक बार बताओ, ये तो 90 डिग्री है, और थीटा प्लस एल्फा का सम भी कितना होगा, 90 डिग्री, यानी कि कुछ नहीं पूछ रहा था तुम्हारे से, कोस 90 की वैल्यू पूछ रहा था, इसकी वैल्यू पूछ रहा था कोस 90 की, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 0। देखो अभी लिखवाई ना ट्रायंगल टेबल में, कोस 90, ये रहा कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये वैल्यू आप याद कर लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में, डायरेक्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे फटाफट, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन है जो तुम्हें पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, कोस थीटा इज इक्वल टू 5/30, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं आई, फटाफट बना लो। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 5 13 12, सही बात समझ में, क्योंकि 5 12 13 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ठीक है, चलो अब निकालना क्या है भाई, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 12, बेस क्या है 5, 12 का स्क्वायर कितना 144, 5 का स्क्वायर कितना 25, सही है। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, 13 का स्क्वायर कितना 169, बेस क्या है 5, 5 का स्क्वायर कितना भाई 25, एलसीएम तो 25 ही आ गया, 9 और 4 13, 3 1 का हासिल, और ये 313/25, आंसर कितना आ गया 313/25, सही है, इजी क्वेश्चन है, देखो फटाफट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ, एक बार इसे फटाफट देखो। हाँ फाइव साइन थीटा माइनस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 0, 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू 0 से 90, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि सारी वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी रेशियो की। 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसकी क्या बतानी है आपको, वैल्यू बतानी।
अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, दो तीन तरीके हैं कैसे भी कर सकते हो। एक तो यही हो गया कि 5 sin थीटा ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा क्या 4 cos थीटा। अब यहाँ देखो दोनों जगह 5 sin थीटा दिख रहा, 5 sin थीटा की जगह एलिमिनेट कर दो क्या 4 cos थीटा। जैसे ही रखोगे 4 cos थीटा ये हो जाएगा माइनस का 2 cos थीटा, यहाँ भी क्या रख दोगे 4 cos थीटा और प्लस के 3 cos थीटा। 4 में से 2 गया, कितना बच जाएगा ऊपर 2 cos थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा 7 cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा खत्म, आंसर आ गया कितना 2/7। एक तो ये बात हुई, बताओ समझ में आई क्या। दूसरा क्या हो सकता है, रेशो लिख सकते हैं साइन थीटा अपोन कोस थीटा, ये किसके इक्वल होगा 4/5 के, होगा नहीं होगा। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 4, कोस थीटा की वैल्यू 5, यहाँ पे पुट कर दो 5 चौक 20 माइनस 5 दूनी 10 अपोन फिर 5 चौक 20 प्लस 3 cos थीटा, 5 3 15 यानी कि हो जाएगा कितना 10/35 यानी कि 2/7। देखो आंसर सेम आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने, कैसे भी कर लो, वैल्यू डाल के कर लिया। अब इसके बाद दूसरा क्या हो सकता है, इसे देखो मैं क्या कर रहा हूँ इस पूरी इक्वेशन में, ये रहने दो ठीक है, बहुत है दो तरीके इससे कर लो। आई ना बात समझ में सभी को, चलो अगला क्वेश्चन करो फटाफट ठीक है। ये इसी टाइप के क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पक्का मिलेंगे तुम्हें, देखने को। 10 थीटा इज इक्वल टू 5/9, 18 sin थीटा माइनस के 7 cos थीटा अपॉन 9 sin थीटा प्लस के 11 cos थीटा, इसकी क्या बतानी है वैल्यू बता ठीक है। ये तो 10 को sin अपॉन cos लिख लो, साइन की वैल्यू 5, कोस की वैल्यू 9, यहाँ पुट कर दो ठीक है, उससे भी आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है, मैं एक काम कर रहा, ऊपर साइन माइनस कोस नीचे साइन प्लस कोस, मुझे 10 बना लूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या बना लूँ दोनों जगह 10, 10 कैसे बनेगा, अगर मैं साइन को कोस से डिवाइड कर देता हूँ, साइन अपॉन कोस क्या होता है 10 थीटा, तो मैं ऊपर भी और नीचे भी पूरी इक्वेशन में 10 से क्या कर रहा हूँ डिवाइड, तो ये तो 10 से कह रहा हूँ, इससे डिवाइड कर रहे हैं हम कोस थीटा से, इससे डिवाइड कर रहे हैं भाई कोस थीटा से। कोस थीटा से जैसे डिवाइड करोगे साइन अपॉन कोस कितना हो जाएगा 10 माइनस के 7, क्योंकि 7 cos से cos खत्म, खाली 7 बच जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 9 tan थीटा प्लस 11 cos थीटा अपॉन cos थीटा, कितना 11। क्लियर होगी बात, अब देखो 18 tan थीटा, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि 10 थीटा की जगह वैल्यू रख सकते हो, 10 थीटा कितना दे रखा 5/9 माइनस 7, 9 into 5/9 प्लस के 9 से 9 खत्म, यहाँ 9 दूनी 18, 5 2 10, 10 में से 7 गए कितना बचेगा 3, सही है, यहाँ 5 11 और 5 16, यानी कि आंसर कितना आ गया 3/16। तो ऐसे भी कर सकते हो, हमने क्या कर दिया इक्वेशन में कोस थीटा से ऊपर नीचे क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। दूसरा तरीका तो तुमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कराई है, 10 को लिख लो sin अपॉन cos 5/9, यानी कि साइन की वैल्यू 5 cos की वैल्यू 9, साइन की 5 रख दो 18 5 90, कोस की 9 रख दो 9 7 जा 63, ये 9 5 जा 45 और 11 9 जा 99, ये भाई कितना बच जाएगा 27 और ये 144 ठीक है। 9 से कर लो डिवाइड, 9 3 27, 9 1 9, 9 6 50, आंसर कितना आ गया 3/60। क्लियर सभी को, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा होमवर्क ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में सभी के क्या चाहिए आंसर, तो जितने भी बच्चे हैं जो भी इस वीडियो को देखेंगे मुझे सभी का क्या चाहिए आंसर चाहिएगा ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये तुम्हारा रहेगा होमवर्क, और भाई ये वीडियो देख लो अच्छे से, पूरी ट्रिग्नोमेट्री करा दूंगा, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ सारी चीज़ें स्टार्टिंग से है ना, और कंप्लीट कर लो एक बार अच्छे से, लगभग 10-12 घंटे का कंटेंट मिल जाएगा तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पे, और इससे बाहर एग्जाम में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तो तुम्हें ट्रस्ट करना होगा अच्छे से ठीक है। और अगर ट्रस्ट करोगे, वीडियोस कम्प्लीटली देखोगे अच्छे से, तो तुम्हारा फायदा होने वाला है देखो काफ़ी ठीक है ना, क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ चीज़ें, और क्योंकि एग्ज़ाम दे चुका हूँ तो इसीलिए पता भी है ठीक है ना, तो यही सारी चीज़ें हैं। चलो बहुत बहुत बढ़िया है ना, अच्छे से प्रैक्टिस करना और एक बार रिवीजन करना, सारी आइडेंटिटीज़ याद कर लेना अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलो थैंक यू भाई।